ये वीडियो है दोस्तों बेनिटो मुसोलिनी के बारे में, जो कि इटली का बहुत बड़ा डिक्टेटर था। ये काफी हद तक जर्मनी के हिटलर के साथ मिलता जुलता था। एक तरह से दोनों ही डिक्टेटर्स थे और दोनों की ही कंट्रीज में इन्होंने डिक्टेटरशिप लाई थी, इसीलिए इन दोनों को बहुत जाना जाता है और हिस्ट्री में इनकी खास जगह है, खास तौर पर डिक्टेटरशिप में। तो इसी के बारे में आज की ये वीडियो है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी नॉलेजफुल वीडियोस देखते रहें। तो मुसोलिनी का जन्म दोस्तों 29 जुलाई 1883 को इटली में हुआ था और इसका पूरा नाम बेनिटो एमिलकर एंड्रिया मुसोलिनी था और इसके पिता थे अलेक्जेंड्रा मुसोलिनी, जो पेशे से एक लोहार थे, लेकिन उनके विचार काफी समाजवादी थे, यानी सोशलिस्ट थे और वो सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। इन्हें काफी क्रांतिकारी गतिविधियों में ये हिस्सा लेते रहते थे और इसी का प्रभाव जो था वो मुसोलिनी के ऊपर भी पड़ा, वो बेनिटो मुसोलिनी के ऊपर भी पड़ा और वो भी अपने पिता के, जो उन्होंने, उसके पिता ने ही उसके अंदर ये सोशलिज्म के बीज बोए थे। और इसी के साथ ये 1902 में स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड में ये काफी समय रहे और उसके बाद बेनिटो मुसोलिनी वापिस इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया इटली में, क्योंकि वहां पे ये काफी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहते थे। तो स्विस गवर्नमेंट ने इन्हें वापिस इटली भेज दिया और इटली से ये फिर से ऑस्ट्रिया गए और वहां ऑस्ट्रिया में भी काफी लोग इनके विचारों से प्रभावित होते रहे। और इसी के दौरान जब ये ऑस्ट्रिया से वापिस इटली आए, उस समय इन्हें 1912 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया और कुछ ही समय में इन्हें सोशलिस्ट पार्टी का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर था उस समय का, अवंती, उसका इन्हें चीफ एडिटर बना दिया और उस लेख में इन्होंने खूब अपनी कलम का जौहर दिखाया और बहुत सारे लोग इनके फैन बन गए, इनके पीछे लग गए और इसके फॉलोअर्स बन गए, जिसकी इन्हें खूब हेल्प मिली ताकि ये बाद में अपनी सरकार बना सकें। तो ऐसे में इनके साथ लोग जुड़ते गए और इनके खुद के विचार भी अपने बेनिटो मुसोलिनी के सोशलिज्म के से कुछ अलग होते गए। जैसे ये सोशलिस्ट पार्टी में थे, लेकिन उस समय इनके विचार अपने खुद के नए विचार बनने लगे और कुछ विचार इनके सोशलिस्ट पार्टी के अगेंस्ट भी थे। इसी कारण इन्हें सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और एवंती की एडिटरशिप भी इनसे छीन ली गई और उसके बाद इन्हें मौका मिला अपनी खुद का न्यूज़पेपर चालू करने का, जिसका नाम था पोलो डी इटालिया, जिसका मतलब है द पीपल ऑफ इटली। और इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में अपना काफी योगदान दिया और वहां पे एक सोल्जर की तरह और एक यहाँ पे ये काफी बड़े अहदों पर भी रहे और उस समय इन्हें 1917 में वर्ल्ड वॉर से वापिस आ गए, क्योंकि उस समय एक ग्रेनेड के फटने के कारण बहुत ज्यादा इंजरीज हुई थी और जिसके कारण इन्होंने वापिस आके फिर से अपने न्यूज़पेपर को चालू किया। और उसके बाद 1917 के बाद इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो जाता है, जिसके बाद इन्होंने 23 मार्च 1919 को अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था फासिस्ट पार्टी। और इस पार्टी के इनके खुद के कानून थे और इस पार्टी को दिन ब दिन इनके न्यूज़पेपर की वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिलती रही और बहुत लोग इनके साथ जुड़ते रहे। और इसके बाद 24 अक्टूबर 1922 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई नेपल्स में, जिसमें फासिस्ट पार्टी के 30,000 से ज्यादा बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने सरकार के सामने, उस समय का जो किंग था विक्टर इमैनुअल III, उसके सामने कुछ जो थी अपनी शर्तें रखी कि ये चीजें होनी चाहिए। इन्होंने इलेक्शन का किया था कि अभी तुरंत इलेक्शन होनी चाहिए और इतनी रिप्रेजेंटेशन फासिस्ट पार्टी को दी जानी चाहिए, लेकिन किंग ने उनकी ये बातें नहीं मानी, इसलिए इन लोगों ने किंग के ऊपर एक तरह से हमला कर दिया और वहां चलने लगे किंग के पास, जिसके कारण किंग को दबाव में आकर उस समय की सरकार को भंग करना पड़ा और तब उन्होंने नई सरकार बनाई जिसके लीडर थे मुसोलिनी। मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया इटली का और सभी फासिस्ट पार्टी का उस समय एक तरह से राज हो गया, लेकिन टोटली मेजोरिटी में फासिस्ट पार्टी नहीं थी। इसके बावजूद भी, टोटल मेजोरिटी में ना होने के बावजूद भी, मुसोलिनी ने इतने ज्यादा ऐसे ऐसे बिल पास करवाए कि जो उसकी पावर थी प्राइम मिनिस्टर की, वो दिनों पर दिन बढ़ती रही। और इस बढ़ती पावर को देखकर कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला भी करवाया, बहुत सारे हमले हुए जिसमें असैसिनेशन का कोशिश की गई उन्हें असैसिनेट करने की, लेकिन वो बचते रहे, हर हमले को झेलते रहे। और इसी तरह से एक दिन ऐसा आया कि जब पूरी की पूरी इटली की पावर मुसोलिनी के हाथ में आ गई और ये अच्छी भरी चल रही डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल गई और इसके बाद शुरू हुआ वन मैन रूल, यानी कि मुसोलिनी का खुद का रूल वहां पे, और कोई पार्टी की मुसोलिनी चलने नहीं देता था। जो भी उसकी ओपोजिशन में होता था वो मारा जाता या उसे कैद कर लिया जाता और कोई भी ओपोजिशन पार्टी इस समय फासिस्ट पार्टी के सामने, मुसोलिनी के सामने टिक नहीं सकती थी। और इसके बाद बारी आती है वर्ल्ड वॉर टू की, जिसमें बेनिटो मुसोलिनी ने अपना पूरा जोरदार हिस्सा निभाया और इस वॉर में ये लड़े थे जर्मनी के साथ, यानी कि हिटलर के साथ,
क्योंकि हिटलर भी डिक्टेटर था और ये मुसोलिनी भी डिक्टेटर था, तो इनकी दोस्ती तो बनती ही थी। और ऐसे में बेनिटो मुसोलिनी जर्मनी के साथ मिलकर लड़े थे और इसमें इन्हें काफ़ी सक्सेस मिली शुरू में तो फ्रांस के खिलाफ, और अफ्रीका में काफ़ी जगह पे इटली ने बहुत बोल बाला रखा अपना, लेकिन ये सक्सेस जो थी इटली की ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। और ऐसे में जो थी एलिट फोर्सेस थी जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इन्होंने कुछ समय बाद इटली पे काबू पा लिया और इटली पे लगातार बॉम्बिंग्स की वजह से बहुत लोग परेशान हो गए। वहाँ पे जो रॉ मटेरियल, वहाँ पे जो खाने का मटेरियल था, गोदाम वगैरह सभी चीज़ें नष्ट हो गई और लोगों के एक तरह से भुखमरी के हालात हो गए, जिसके कारण काफ़ी लोग इस मुसोलिनी के खिलाफ हो गए। जिन लोगों ने पहले मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, खुद की बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी थी, अब वही लोग इसके खिलाफ थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए और जिसकी मजबूरी में विक्टर इमैनुअल III जो राजा था उसने इसे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से हटा दिया और इसे कैद कर लिया गया, जिसे बाद में जर्मनी के कुछ पैराट्रूपर्स ने बचा लिया, बाद में उस कैद से रहा करवा दिया। और फिर हिटलर ने मुसोलिनी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो सोशलिस्ट रिपब्लिक इटली बनाएगा, वहाँ पे एक पार्टी बनाएगा और फिर इटली को सोशलिस्ट बनाएगा पूरी तरह से, तो इसके साथ उसे वापस इटली में भेज दिया गया। लेकिन इस जो सोशलिस्ट रिपब्लिक इटली बनाने की जो कोशिश थी ये ज़्यादा कामयाब ना रह सकी और कुछ ही समय बाद जो मुसोलिनी था और उसकी वाइफ थी उन दोनों का मर्डर कर दिया गया और इन्हें ऐसे में मुसोलिनी की इस तरह से कहानी का खात्मा हो गया। और एक बहुत बड़ा डिक्टेटर जो बहुत शुरू में एक लोहार का जो बेटा था वो पैदा होकर एक पूरी इटली को चला सकता था और पूरे वर्ल्ड की नाक में दम कर सकता था, तो आप ऐसे में क्या नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आपका इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।